और कहाँ से आए आप? मेरा नाम जयशंकर मौर्य, ग्राम सरैया रहीमाबाद, उसका धनबाद गोरखपुर के हम निवासी हैं। वार्ता क्यों कर रहे हैं? इस वार्ता इसलिए कर रहे हैं, मेरी जमीन है, कुछ लोग अराजक तत्व द्वारा जो है कब्जा किया जा रहा है, इसलिए हम प्रेस वार्ता के लिए आए, मजबूर हैं इसलिए प्रेस वार्ता करने आए। कौन लोग हैं जो आपकी जमीन को कब्जा? हमारे जमीन कब्जा करने वाले एक ईश्वर चंद्र जायसवाल जी हैं, जो उनका आगे जमीन लिए हैं, जो आगे जमीन लिए हैं अभी तत्काल साल भर हुआ, और उनकी जमीन कम है तो मेरे जमीन में जो है 4 डिसमिल जमीन जो है वो हमारे जमीन में घुस जा रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा कर ले रहे हैं, इसीलिए हम जो है परेशान हैं। और SDM पे, थाना अध्यक्ष के, SDM पे सबको मिला करके ये लोग, और इसमें स्थानीय जो पार्षद हैं मनोज जायसवाल, और एक यहाँ के हमारे विधायक हैं, भाजपा विधायक हैं प्रदीप शुक्ला, इन लोग के सर के द्वारा हमारे लोग पर कब्जा करवा रहे हैं, और ईश्वर चंद्र जायसवाल जो है हमारे जमीन पर कब्जा करने गए, हम लोग जो है आए उनको रोके, लेकिन ईश्वर को बुला करके हम लोग उसको हटा दिए, और उसके बाद अध्यक्ष हैं, मैंने कहा सर मेरा जमीन है, इस जमीन के आगे तो उन्होंने कहा कि है एटीएम का, इसलिए आप यहाँ कर सकते हैं, तो तहसीलदार मिल रहे हैं, कचहरी का दरोगा जी ले आकर के हम लोग परिवार भर को ले आकर के बैठा के दिन भर बैठाए रख के पूरा काम चलता रहा, रात में उसका काम चलता रहा, फिर दिन में जो है उसने जो है पूरा दिन छत लगवा लिया, अब हम लोग मजबूर हो गए, सोमवार को गए SDM के पास, तो SDM ने कहा ठीक है, हम लोग जन आंदोलन के तहत लगभग 100 की संख्या में हम लोग गए और वहाँ नारेबाजी किए, तब जा करके SDM साहब ने सुना जो है अब ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तब जा करके यह जो है टीम गठित किए गए नापने के लिए, नाप करके चिन्हित किए तो 12.5 मीटर जो है जमीन हमारा जो है यह अंदर घुसवाया था हमारे जमीन में, तब फिर यह जो है रिपोर्ट करके तहसील पर, तहसील प्रशासन ने कहा सर कल जो है जा करके SDM गए, कल जा करके आइए तो फिर हम आपको जो है इनका आपका खाली करवाएंगे। कल हम लोग आए तो इन्होंने कहा कि हम समझौता कर सकते हैं, इसमें जो है हम कुछ कर नहीं, इन्होंने दीवार चला लिया है, छेद डाल लिया है, इसलिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में हम लोग भी जन आंदोलन और हल्ला गुल्ला करते हुए नहीं माने तो उसको जो है हम लोग हटा दिए। अभी जो प्रशासन क्या कार्रवाई? प्रशासन हमारे ऊपर जो है FIR हुआ, 8 लोगों के नामजद हुआ और 100 लोगों को अज्ञात में हम नाम डाला गया है, अब हम लोग परेशान हैं कहाँ जाएं, किस तरह से जाएं, क्या चाहते हैं? हम लोग यह चाहते हैं कि हमारी जमीन को घाट इसलिए कब्जा कर रहे हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया जाए, शासन से मेरा यही अनुरोध है, प्रार्थना है।